रोने वाले अंकल, आप मेरे स्कूल में क्या कर रहे हैं? जब मेरा स्कूल में पहला दिन था ना, तो मुझे इतने सारे लोग ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आ गए। स्कूल में और बच्चों के लिए जगह ही नहीं बची। डर लग रहा है? किसी को बताना नहीं, मेरे पास डर का बहुत सही इलाज है। ये देखो, इसे छुपा लो, डर चुभंतर हो जाएगा। नहीं अंकल, मैं इसे नहीं रख सकती। मेरे बाबा ने बोला है कि जिसको भी नहीं जानते उससे कुछ नहीं लेना चाहिए। बाबा एकदम सही बोलते हैं, पर अपन किसी थोड़ी ना है, अपन तो आपका रोने वाला अंकल है ना? और ये जो है, ये तो आपका ही तो है। आपने कहा था ना कि आपका सबसे पक्का दोस्त है, आपके बोलने से इसने आपकी बात मान ली थी ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप दोनों को थैंक यू बोला जाए। आज आपके स्कूल का फर्स्ट डे है ना, तो क्यों ना दोनों दोस्तों की मीटिंग करा दी जाए। मीटिंग? आपका गनू सेठ आपके साथ होगा ना? गनू साहब? मैं भी कितना पागल हूँ, एक ही बात है, गनू सेठ, गनू साहब, एक ही बात है ना। लो लो लो, छुपा लो छुपा लो। थैंक यू अंकल। वेलकम। रोने वाले अंकल तो मैं हूँ, आपने ऐसा फेस क्यों बनाया? मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, बहुत याद आ रही है उसकी। ये भाई लोग ऐसे जब दूर चले जाते हैं ना, तो इनकी बहुत याद आती है। लेकिन फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आपके स्कूल में आपका पहला दोस्त कौन बना? रोने वाले अंकल। ये! अभी आप जल्दी से अंदर चले जाओ, नहीं तो टीचर हम दोनों को मुर्गा मुर्गी बना देगी। जाओ 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 जाओ। बाय रोने वाले अंकल। बाय मेरा चोचा बच्चा। आप उनकी नई दोस्ती मुबारक हो कार्तिक साहब।